ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਹਥਿਆਰ 22 ਰੌਂਦ ਅਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ इस ग्रोह का संबंध गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा के नाल भी दसिया जा रहा है। दूजे पासे हैरानगी की गल तुहानू दस दिंदे हां कि काबू किए गए ग्रोह के तीन मैंबरों के विचों दीपक गोयल आम आदमी पार्टी का यूथ आगू है। जी हाँ, एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का यूथ आगू दसिया जा रहा है जिसने एक साल पहला ही चंडीगढ़ विखे आप इंचार्ज जरनैल सिंह अते विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा की हाजरी के विच आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। फिलहाल दस दिए कि इस मामले लैके पुलिस के वालों पूरी जानकारी भी साझी की गई है। आखिर पूरी जानकारी की है आओ जानते हैं। कोई संबंध नहीं है कि पार्टी वर्कर है आम आदमी पार्टी का किड़ा उधर तो हाँ जी कोई ओदा नहीं है नहीं तो थानू किने ज्वाइन कराया सी इत्थे चंडीगढ़ आप ही करके आए थे असीं आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खन्ना पुलिस वालों आर्म्स की यूज रिकवरी की गई है वो रिगार्डिंग जानू कराना है ते नाल ही जो कमर्शियल क्वांटिटी दे विच ड्रग्स की रिकवरी की है वो बारे सारे जानू कराना सी जिहड़े आर्म्स की रिकवरी है वो सानू टोटल 6 वैपन्स रिकवर हुए हैं 19 राउंड रिकवर हुए हैं और 3 राउंड होर रिकवर हुए हैं जो 32 बोलते हैं 3 व्यक्ति जो है अरेस्ट हुए हैं राउंडअप किए गए हैं और 26 तारीख में मुकदमा दर्ज होया सी जिस दे विच एक आकाश नाम का व्यक्ति जो सी वो राउंडअप होया सी उहदे कोलों ग्लॉक पिस्टल रिकवर होया सीगा उहदी पुछगिछ दौरान परमिंदर सिंह एलियस पिंदरी नाम का व्यक्ति वह भी राउंडअप होया है जो भी वैपन स्मगलिंग दे विच इनवॉल्व है उन्हां दी जदों जॉइंटली इंट्रोगेशन उन्हां दी जिहड़ी पुछगिछ कीती गई सी उस तो एक दीपक गोयल नाम का बंदा आइडेंटिफाई होया जो कि इन्होंने दसन मुताबिक आर्म्स की स्मगलिंग करता है तो वो वैपन्स भी इलीगल वैपन्स भी मौजूद है जो उन्होंने राउंडअप किया गया वो कोलों भी 5 वैपन रिकवर हुए हैं जिस दे विच एक पिस्टल सी 4 देसी कट्टे सी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के जो राउंडस मिले लाइव राउंडस मिले सर जी ग्लॉक पिस्टल देखने मिले हैं कितों लैके आते देसी कट्टे तो समझ आते ग्लॉक वगैरह जी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस करके केस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ग्लॉक पिस्टल जो है वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता वो या तो सरकारी अफसर के कोल होता है अदरवाइज ये जो सानू भी ये अंदाशा है कि हो सकता है कि अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग या किसी होर रूट के थ्रू ये लाया गया जिसकी हले इन्वेस्टिगेशन चल रही है सामने आए दो जो अक्यूज़ हैं आकाश ते पिंदरी ये इन्हों के अगेंस्ट पहला भी एक परचा रजिस्टर्ड है जिद्द इन्होंने सुखप्रीत बुड्ढा जिहड़ा गैंगस्टर हैगा वो साथी ठहर प्रोवाइड की थी और हुण भी उन्होंने कोल काफ़ी वैपन्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं जिस करके असं उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फरदर कि इन्हों के लिंक्स हले भी उन्होंने नाल हैगे नहीं साड़ी इन्वेस्टिगेशन दे विच तो इस तरह की कोई गल नहीं आई है बट ये इलीगल वैपन जरूर इन्हों की कस्टडी में मिले हैं तो ये फरदर किसू टारगेट करना चाहते सी या किसू मारना चाहते सी जाति रंजिश सी या की कारण से वो असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ आडियो ते वीडियो भी वायरल हो रही है जिसे बंदे नाम लै रहे हैं कि सानू मारने वास्ते ये पिस्टल लैके आए थी सर वो तुहाडे ध्यान च आया नहीं हले साडे ध्यान दे विच नहीं आया जिदा ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता असं उन्होंने विचार करेंगे सर होर बंदे दे नाम भी इन्होंने ले रहे हैं जिन्होंने आडियो वायरल की है कि बंदे सानू मारन नू खेचदे सी अपने इलाके दे विच भी इन्होंने कई बंदे टारगेट किए हुए सर कोई इदां दी गल है जी नहीं टारगेट किसनों किया वो तो इन्वेस्टिगेशन से कर ही रहे हैं क्योंकि वैपन्स इन्होंने कोल है अम्यूनिशन भी इन्होंने कोल है तो क्यों लेकर आए हैं वो आगे टारगेट किसनों करना से वो असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिस तरह पिंदरी कह रहे हैं सरपंच कोई सरपंच मौजूदा है जो साफ कर रही कोई पता लगे नहीं ये असं हले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दस देंगे तो सर इन्होंने पहले कि मुकदमे दर्ज पहला भी इन्होंने को इन्होंने अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मुकदमे हैं आम तक के भी केसिस रजिस्टर्ड है जिहड़ा आकाशदीप है तो वो अगेंस्ट एक मुकदमा नंबर 117 है वो थाना मलौद का है और मुकदमा नंबर 48 है वो मलेरकोटले जिले का है थाना अमरगढ़ का और मुकदमा नंबर 108 है वो भी सदर अमरगढ़ का ही है जिला मलेरकोटले का इदा ही होर भी दो मुकदमे होर रजिस्टर्ड है काफ़ी ज़्यादा इन्हों के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड है जिस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जो है वो उही है जिस दे विच उन्होंने सुखप्रीत बुड्ढा जिहड़ा गैंगस्टर है वो जिहड़े बंदे सी उन्हां नूं थैह दित्ती सी तो असीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं
हाँ वो एक्चुअली वो सारी हाले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो दस नहीं सकते, वो जिदा ही होगा फर्दर वो असी रिवील कर देंगे। नहीं वो असी डिस्कलोज नहीं कर सकते, बट इन्हों जो भी टारगेट से वो असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो असी कर रहे हैं। सर इन्हों के गैंग के हजे तक तीन ही मैंबर पकड़े गए, तो होर भी मैंबर भी इन्वॉल्वमेंट होर भी मैंबर है जो इन्हों हथियार सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हले तो ये तीन बंदे मिले हैं सानू जिसके कोल हथियार से जो कि खुद इसका पार्ट से, बट ये कितों लेकर आ रहे थे वो वक् वक् शहर के अलग अदर स्टेट के भी है, असी उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, नॉमिनेट करके उन्होंने छेती अरैसट भी करा। सर इस दीपक गोयल का कि रोल है कि बड़ी उन्होंने को सू पांच वैपन मिले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पांचों इलीगल वैपनस है जिस एक पिस्टल है, चार देसी कट्टे हैं, 19 राउंड है 315 के और दो राउंड है 32 गोल्ड, तो ये कितों लेकर आए वो फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिवील कर रहे हैं, असं उन्होंने ट्रेस कर रहे हैं। जी NDPS एक्ट के साढ़े को काफ़ी कमर्शियल रिकवरी हुई है पिछले तीन दिनों के, एक रिकवरी जिस सू 2 क्विंटल 43 kg पोके रिकवर हुई है, वह अक्यूज जोड़ा है वो PS माछीवाड़ा साहब का रहने वाला है, दूजी जी रिकवरी है वो 11 kg 700 g गांजा रिकवर होया, तीजी रिकवरी जी है 5 kg 800 g चरस रिकवर हुई है, ये तीन रिकवरीज दो रिकवरी जी कमर्शियल क्वानिटी की जी हैगी, ये बंदे फर्दर किसान सप्लाई करने जा रहे थे उन्होंने असं वेरीफाई कर रहे हैं। सर एक अपने इलाके मामला है कि सरेआम धमकियां दिखाई जाती है पिंड देखा जाके, तो वो उपर सुखपाल खैरा ने भी ट्वीट करके कानून व्यवस्था से सवाल खड़े करे थे, सर उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है जी? हाँ जी उसकी सानू कंप्लेन मिलेगी, असं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा। सर कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन या विदाउट कंप्लेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला जोड़ा है स्पीकर के उत्ते सरेआम धमकियां दिखाई जा रही हैं। हाँ जी नहीं यदि कंप्लेन भी सानू मिलेगी तो फिर असं इन फर्दर इन्वेस्टिगेट करांगे, क्योंकि हले तक कोई ऑफिशियली सानू ना थाने लेवल ते ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ते कोई कंप्लेन रिसीव हुई है।